नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2018 वीडियो भर्ती को लेकर यहाँ बताइए कोर्ट केस अपडेट मानने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिसका आप सभी छात्रों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। गुड न्यूज़ है यहाँ पर, अगर ऐसा हो जाता है तो पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की कंप्लीट तैयारी घर बैठे आप कर सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के साथ। और ये बैच देखिए 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, जहां पर आप लोग को सभी लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, सभी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। साथ ही साथ आप यूपी पीसीएस यूपीएसआई की भी एग्जाम की तैयारी इसी फीस में कर सकते हैं, वन टाइम एक्टिवेशन लेना है। ज़्यादा जानकारी के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए और सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड का यूज़ करने पर आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत से छात्रों ने यहाँ पर इनरोलमेंट किया है, आप भी ज़रूर यहाँ पर इनरोलमेंट करिए। और बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी यहाँ पर होती हैं, मेरी भी क्लासेस होती हैं, तो फ्री वाली क्लासेस भी ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो विचार जरूर करिएगा, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर चेक करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आज की बड़ी अपडेट, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद भरने के लिए जवाब तलब, यानी कि जो पद खाली रह गए थे और कुछ नंबरों से जिन छात्रों का सिलेक्शन रह गया था तो उस पद को नहीं भरा गया था, उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए देखें यहाँ पर हाईकोर्ट में रिट डाली गई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत छात्रों का यहाँ पर भला हो जाएगा, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। हाईकोर्ट ने देखिए प्रतीक्षा सूची की आपकी जानकारी चयन आयोग से मांगी है। हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग लखनऊ, यानी यूपी ट्रिपल एससी यहाँ पर है, इसे जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 10 नवंबर तक आयोग को इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। धर्मराज और 13 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याचिकाओं का कहना है कि आयोग ने ग्राम विकास अधिकारियों के 3587 पदों का विज्ञापन 2018 में जारी किया था, याचिकाओं इसमें चयनित नहीं हो सके थे। पदों पर नियुक्ति के बाद भी कई पद भरे नहीं जा सके, याचिकाओं ने मेरिट के अनुसार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 9 अगस्त 2018 को आयोग को याचिकाओं के दावे विचार करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ आयोग की पुनर्विचार अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक उम्मीद है, एक आशा है आप सभी ऐसे छात्रों जिनका बहुत ही कम नंबरों से यहाँ पर रुका हुआ है, अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी होती है, जो रिक्त पद हैं उसे भरे जाते हैं, ऑर्डर आता है कोर्ट का, तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोग के लिए। तो यूपी ट्रिपल एससी पल पल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और स्टडी वीडियोज़ के मटेरियल भी आप लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।